दोस्तों, मैं मोहम्मद अजरुद्दीन वेब ट्रेनिंग अकेडमी से, और आज का हमारा सेशन है जो हमारा एक सीरीज हम बना रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज और डिजिटल मार्केटिंग के बारे में। कंप्लीट सीरीज मैं जो बना रहा हूँ, जो पहले हमने सीरीज में पहले वीडियो हमने देखा है एसईओ किस तरह से हम प्रैक्टिकली करते हैं। तो आज का हमारा सेशन रहेगा दोस्तों, हाउ टू डू पीपीसी मार्केटिंग, और इन अदर वर्ड्स पे पर क्लिक मार्केटिंग कैसे करते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट एस्पेक्ट्स वी हैव टू कंसिडर। पीपीसी किसको कहते हैं, पीपीसी में हमें क्या क्या बेनिफिट्स रहेंगे, पीपीसी के जरिए कौन यूज कर सकते हैं पीपीसी को, और पीपीसी में हम कैंपेन कैसा सेटअप कर सकते हैं, क्या होता है पीपीसी, ये तमाम चीजों को हम आज के इस सेशन में डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना होगा कि पीपीसी क्या है, व्हाट इज पीपीसी, पेपर क्लिक मार्केटिंग किसे कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, लास्ट टाइम हमने जो कीवर्ड मैंने एक ऑप्टिमाइज भी करके बताया था आपको कि अगर मैं यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ गूगल के सर्च बॉक्स में, और मैंने अगर सर्च किया, समझिए फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज, ठीक है, अब ये कीवर्ड है दोस्तों, मैंने सर्च किया, तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि डिफरेंट यहाँ पे सबसे पहले हमें टॉप पर आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग बी टू बी ब्रांड सी 3.5x हायर CVR, राइट। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, ये तो लोकल रिजल्ट हो गया, और इसके बाद हम जब आएंगे तो ये थोड़े से वेबसाइट्स का डिटेल्स है जो ये कीवर्ड पर रैंक कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जानना, आप ऑलरेडी ये जानते हैं दोस्तों कि SEO स्ट्रेटेजी अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो SEO का कंप्लीट कॉन्सेप्ट होता है कि हम इस जगह पर रैंक करेंगे, है ना। और अगर हम वर्क करेंगे लोकल SEO पर तो हम इस तरह पर रैंक करेंगे। इसी तरह अगर हमें रिजल्ट चाहिए, अगर हमें क्विक रिजल्ट चाहिए और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको चाहिए, तो यहाँ पर हमें आना बहुत जरूरी है दोस्तों। हम उसे कहते हैं पीपीसी और पेपर क्लिक मार्केटिंग, जो हम गूगल पर कर सकते हैं और बिंग पर भी कर सकते हैं। तो पीपीसी का मेन कॉन्सेप्ट, ये वर्ड इसलिए आया है दोस्तों बिकॉज उसका सिंपल रीजन ये है कि हम इस एडवर्टाइजिंग में, अगर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा, ठीक है, जब ये कंपनी जो लिंक्डइन अभी एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं, तो यहां पर मैं जब क्लिक करूंगा ओनली दैट टाइम ओनली दिस कंपनी हैज टू मेक अ पेमेंट। यानी अगर मैंने एडवर्टाइज किया तो मेरे एड देखने का पैसा नहीं लगेगा, क्लिक जब मुझे आएगा, जब विजिटर मेरे वेबसाइट पे आएगा, तो जब ही उसका एड का कॉस्ट लगेगा। इसीलिए इसको कहते हैं पे पर क्लिक एडवर्टाइजिंग, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर इस स्ट्रेटजी में, इस कॉन्सेप्ट में क्यों करना चाहिए, क्या इसका बेनिफिट्स है, अगर हम ये करेंगे तो क्या अपने बिजनेस को फायदा होगा, क्या आउटपुट हमको बेटर आएगा, क्या रीजन है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात आप याद रखिए, पीपीसी मार्केटिंग हम जब करेंगे, पेपर क्लिक एडवर्टाइजिंग जब करेंगे, तो रिजल्ट्स हमें बहुत जल्दी आ सकते हैं। यानी एसईओ के लिए अगर आप करेंगे तो हो सकता है 3 महीने लग जाए, 4 महीने लग जाए, कुछ टाइम लग जाए, वी डोंट नो। बट जब हम पीपीसी पर इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो अगर मैंने एड अभी क्रिएट किया तो मैक्सिमम लगेगा 1 डे फॉर अप्रूवल और ऑल चीजों को तमाम होने के लिए। 1 दिन के अंदर अंदर आपका वेबसाइट टॉप पोजीशन पर, पेड पर आ सकता है। और ये भी बात आप याद रखिए कि बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई पीपीसी पर कौन क्लिक करता है, यार ये भी गलत बात है कि बहुत सारे लोग पेपर क्लिक एड्स पर भी क्लिक करते हैं, उसी वजह से तो गूगल अर्निंग कर रहा है, है ना। सो इसका फर्स्ट बेनिफिट है आपको क्विक रिजल्ट मिलेगा, सेकंड बेनिफिट है इसको आपको टॉप ऑफ द पेज आपका रिजल्ट आएगा, विच इज कंप्लीटली अबव ऑर्गेनिक रिजल्ट आल्सो। और इसका बेनिफिट और एक ये है कि हम उसी वक्त पे करेंगे जब हम जो एड हम कर रहे हैं, तो अगर हमें विजिटर आएगा तो ही हम क्लिक उसका अमाउंट पे करेंगे। तो ये बेसिक सा बेनिफिट और आइडिया है, ताकि हमें क्विक रिजल्ट आ जाए और हमें जो है यू नो आउटपुट भी बहुत बेहतरीन आ सके। तो यहाँ पर एक बात आपको याद रखना है कि बास कंपनीज, हर कंपनी पीपीसी यूज नहीं कर सकता है। जैसे कि पीपीसी में थोड़े कंपनीज जो है ऑटोमेटिकली बैंड हुए हैं, जैसे कि सर्टेन टॉपिक्स है, जैसे अल्कोहल आप ले लीजिए, या टोबैको प्रोडक्ट्स आप ले लीजिए, वेपन्स आप ले लीजिए, जो रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरीज है, और इवन मेडिसिन रिलेटेड और डॉक्टर्स रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो रिस्ट्रिक्शन होते हैं, तो वो रिस्ट्रिक्शन वाले टॉपिक्स हम पीपीसी नहीं कर सकते हैं। इसी तरह एक टॉपिक है जिसे कहते हैं टेक सपोर्ट, अगर आप टेक सपोर्ट रिलेटेड कोई भी आप एड डालेंगे पीपीसी में, वो इमीडिएटली डिसअप्रूव हो जाएगा, बिकॉज टेक सपोर्ट में बहुत सारा फ्रॉड
इंडियन कंपनीज ने किया है यूएस मार्केट ऑडियंस पर, उस वजह से ये टेक सपोर्ट के जितने भी एड्स होते हैं दोस्तों वो तमाम डिसेबल होते हैं। तो आप एक बार, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा एड पॉलिसीज का, उसमें आप देखिए कि क्या क्या हम एडवर्टाइज कर सकते हैं, कौन से चीजें हम एडवर्टाइज नहीं कर सकते हैं, ये आप एक बार देखेंगे तो इसकी क्लैरिटी भी आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों इसमें बस बिजनेसेस का पीपीसी हम इम्प्लीमेंटेशन करना भी मुश्किल होगा। जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए, एक बिजनेस है, कोई लोग उसके लिए सर्च ही नहीं कर रहे हैं, वो टॉपिक इतना स्पेसिफिक टॉपिक है कि लोगों को पता ही नहीं कि वो टॉपिक अवेलेबल है, तो उस तरह उस वक्त में अगर आप पीपीसी करेंगे भी तो आपको रिजल्ट नहीं आएगा। रीजन उसका ये है दोस्तों कि वो टॉपिक कोई सर्च ही नहीं कर रहा है ना। तो इस तरह से थोड़ी चीजें हैं, ये मैं बेसिक बता रहा हूं ताकि आपको एक सेटअप मिल जाए, उसके बाद हम प्रैक्टिकल डायरेक्ट चले जाएंगे अभी, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि अब देखिए एग्जांपल, मैं हेल्थ इंश्योरेंस टाइप करता हूँ, वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नीशेस, ओके, हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये देखिए फर्स्ट एड, सेकेंड एड, कितने एड्स है यहाँ पर आप देखिए, 1, 2, 3, 4 कंप्लीट एड्स ओनली है ना, कंप्लीट एड्स है, यानी इसका मतलब यहाँ पर यही है कि इन एड्स पर लोग क्लिक करते हैं, ठीक है, इसीलिए तो एडवर्टाइजर है वहां पर, इसीलिए तो वो लोग एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं और इसी तरह से तो गूगल अर्न कर रहा है। तो आप याद रखिए यहाँ पर पॉलिसी बाजार फर्स्ट पर होने के बावजूद भी, सी दे आर ऑन द फर्स्ट पोजिशन, इवन आफ्टर बीइंग ऑन फर्स्ट पोजिशन उसके बावजूद भी वो फर्स्ट पीपीसी पर भी वो बिडिंग कर रहे हैं, बिकॉज उससे अगर हम पीपीसी पर और एसईओ पर दोनों पे होंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द कस्टमर क्लिक इज वेरी हाई और आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलेगा। बगैर इसके लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो बात क्लाइंट कहते हैं हमारे पास पैसा ही नहीं है, तो हम उनके लिए पीपीसी सजेस्ट ही नहीं कर सकते हैं, और डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री प्राइस भी बहुत ज्यादा भी हो सकता है इस पेपर क्लिक स्ट्रेटेजी का। यानी जनरली स्मॉल टॉपिक्स का तो 5 रुपए पर क्लिक ऐसा हमें पे करना पड़ेगा, लेकिन जैसा जैसा टॉपिक की कॉम्प्लेक्सिटी और कॉम्पिटिशन बढ़ेगा ना दोस्तों, तो जब वहां पर बहुत ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है। तो चलिए ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, मैं प्रैक्टिकल तो मैं डायरेक्ट जाना चाह रहा था, लेकिन मैंने इसलिए इसको इंट्रोडक्शन में ले लिया ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए कि भाई हम क्या सीखने वाले हैं। तो आज हम यहाँ पर मैं आपको एक लाइव कैंपेन करके बताता हूँ पेपर क्लिक का। ये हमारे सर्विसेस की कंपनी है दोस्तों, जहां पर हम सर्विसेस प्रोवाइड करते हैं। तो मैं इसमें से एक टॉपिक लूंगा और उस टॉपिक पर मैं आपको कंप्लीट मार्केटिंग करके बताऊंगा कि हम किस तरह से मार्केटिंग पीपीसी कर सकते हैं। तो ये देखिए कीवर्ड एक हमारा पेज है, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ठीक है। तो अब मेरा प्लान ये है कि मैं हमारे कंपनी के लिए सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए मैं एक एड बनाऊं, जो एडवर्टाइजर जब देखेंगे तो दे विल फील वाओ दिस इज रियली गुड कंपनी, और वो हमारे फॉर्म को फिल कर सके। तो अब यहां पर हमें करना यह है कि इसको हम जब कोई भी सर्च करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग इन हैदराबाद, समझे ये कीवर्ड है, या कंपनीज इन हैदराबाद, तो मेरा गोल यह है दोस्तों कि मुझे टॉप पोजीशन पर यहां पर हमारा एड को डिस्प्ले करना है। अगर मैं वो डिस्प्ले करने में कामयाब हो जाऊंगा तो दैट इज द पीपीसी का हमारा रिजल्ट भी आ जाएगा। तो इसके लिए पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा गूगल एड्स पर, गूगल एड्स पर जस्ट google.com, google ads.com पर आप जाइए, डायरेक्टली आप एड बना सकते हैं, और ये पूरा सेटअप होता है वो आप कर दीजिए, वो तो बेसिक सेटअप आप कर सकते हैं, कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। तो एक बार हमारा सेटअप होने के बाद में आपको बिलिंग में भी बिलिंग आपका अकाउंट डिटेल्स अगर ऐड करना पड़ेगा, वो बेसिक्स है वो कर लीजिए, करने के बाद में ये आपको स्क्रीन आएगा, जहां पर ये स्क्रीन पर हम सीधा मैं जा रहा हूँ कैंपेन्स पर, ठीक है, यहाँ पर मैं जा रहा हूँ कैंपेन्स पर, क्योंकि मेरा मेन अभी जो मेन गोल है वो प्रैक्टिकली आपको बता दूं कि कैसा हम कैंपेन बना सकते हैं और कैसा हम उसको प्रोफेशनली सेटअप कर सकते हैं। सो क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। अब देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पर न्यू कैंपेन जो बना रहा हूँ ये हमारे कंपनी के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो उसमें कंपनी का एक प्रोडक्ट है सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट होता है कि हम गूगल एडवर्ड्स में सबसे पहले होता है कैंपेन, सी फॉर कैंपेन। एक कैंपेन, हम एक अकाउंट में करीब 10,000 आप कैंपेन बना सकते हैं, ठीक है। अब एक कैंपेन के अंदर होता है एड ग्रुप, मैं इसको एज ही लिख रहा हूं यहां पर, एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 3 और सो ऑन, इस तरह से हम एड ग्रुप बनाते हैं, और एड ग्रुप टोटली होते हैं 20,000। तो अब यहां पर यह बात आप याद रखिए, अगर मैं कोई कंपनी के लिए कर रहा हूं तो मैं उसे कैंपेन के लिए बना दूंगा, कंपनी का नाम देकर कैंपेन बना दूंगा। अब वो कंपनी में जो जो प्रोडक्ट्स होते हैं या जो जो सर्विस होते हैं, सर्विस या प्रोडक्ट,
हर प्रोडक्ट के लिए एक एड ग्रुप बनाना जरूरी है। हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए मैं एड ग्रुप 1, एड ग्रुप 2, एड ग्रुप 2 बनाऊंगा। और इस हर एड ग्रुप में यहां पर हम ऐड करेंगे एड्स और कीवर्ड्स। इस तरह से हमारा सेटअप होता है। सो सिंपली मैं फिर से समझा दूं, कोई भी आप एडवर्टाइजिंग करने से पहले कैंपेन बनाना होगा। कैंपेन के अंदर आएगा एड ग्रुप और एड ग्रुप के अंदर आएगा कीवर्ड्स और एड्स। इस तरह से हमारा सेटअप होता है। तो यहां पर आप फर्स्ट स्क्रीन में यहां पे क्या कीजिए, सिंपली आप सेलेक्ट कीजिए क्रिएट ए कैंपेन विदाउट अ गो विदाउट गोल्स गाइडेंस। सिंपल इसके रीजन ये है कि इसमें हम जाएंगे तो सिर्फ गूगल अपना ऑटोमेशन करने की कोशिश करेगा, तो वो सब जरूरत ही नहीं है आपको। सीधा ये क्लिक कीजिए कि आई वांट टू क्रिएट विदाउट एनी गोल गाइडेंस, ओके। और यहाँ पर आप सीधा चले जाइए सर्च नेटवर्क। अब यहाँ पर सर हम गूगल पे किस तरह से एडवर्टाइज कर सकते हैं, तो ये तमाम चीजें हैं गूगल पर एडवर्टाइज करने के। डिस्प्ले में एडवर्टाइज कर सकते हैं, शॉपिंग पे कर सकते हैं, यूट्यूब पे कर सकते हैं, एप्स और स्मार्ट, ये स्मार्ट न्यूज स्ट्रेटेजी है। तो हमें सेलेक्ट करना होगा सर्च, क्योंकि हमारा अभी आज का गोल है पीपीसी है, तो हम सेलेक्ट करेंगे सर्च को। जब आप करेंगे तो फिर से ये ऑप्शन आएगा, कुछ मत सेलेक्ट कीजिए, आप यहाँ पे सिर्फ कंटिन्यू कर दीजिए। हाँ, यहाँ पर हमारा सेटअप हो जाएगा। यहाँ पे हमारा जो स्ट्रक्चर वगैरह जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो हम यहाँ पे देंगे। तो सबसे पहले मेरा कैंपेन का नेम रहेगा आईटी इन्फो डिजिटल सर्विसेस। मैं इसको एक टेस्ट की तरह ले रहा हूँ, तो मैं टेस्ट लिख देता हूँ इसको। और इसके बाद हमारे नेटवर्क। सो देखिए दोस्तों, आप कहाँ पर अपना एड डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट तो ये होता है गूगल सर्च इंजन पर, लेकिन उसके साथ ही साथ गूगल सर्च इंजन के साथ वो एड डिस्प्ले होता है गूगल पार्टनर्स पर। पार्टनर्स मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पर भी एड डिस्प्ले होता है। अगर आपका बजट अच्छा है और आप थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे एड देना पसंद करेंगे, तो आप जो है गूगल के पार्टनर्स को सेलेक्ट करिए, वरना आप रिमूव कर सकते हैं। गूगल एग्जांपल ऑफ गूगल पार्टनर है ये ask.com। अब जो भी एड गूगल में देखेंगे ना, वही एड आपको ask.com में भी मिलेगा। जो भी एड आप गूगल में देखेंगे वो ask, because ask is a partner of Google। ask गूगल के एड डिस्प्ले कर सकता है, ऐसे बहुत सारे पार्टनर है गूगल के, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं दोस्तों। और ये तो बिल्कुल आप रखना ही नहीं है, बिकॉज डिस्प्ले नेटवर्क मतलब टोटल थर्ड पार्टी वेबसाइट्स, यानी दूसरे एक्सटर्नल वेबसाइट्स में डिस्प्ले की तरह ऐड आएगा, वो बिल्कुल भी सेलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आपका पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा। तो दोस्तों याद रखिए, ये सेलेक्ट नहीं करना है आपको और ये भी सेलेक्ट नहीं करना है, बिल्कुल सिर्फ सर्च नेटवर्क पे गूगल पर ही हमें टारगेट करना है, ताकि हमें हाई क्वालिटी ऑडियंस मिल सके। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए मोर सेटिंग्स और कुछ ऑप्शंस है। हाँ, स्टार्ट डेट एंड डेट नो प्रॉब्लम, कैंपेन ऑप्शंस की जरूरत नहीं है, वो टेस्टिंग वो ट्रैकिंग के लिए हम यूज करते हैं। और डायनेमिक एड्स की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हम मैन्युअली ऐड करेंगे। और यहाँ पर है सबसे इंपॉर्टेंट आपका टारगेट लोकेशन। सो यहाँ पे क्लिक कीजिए एंटर लोकेशन। तो मैं आपको एक पॉइंट बता दूं कि गूगल में हम तमाम वर्ल्ड को, ओवरऑल वर्ल्ड को टारगेट कर सकते हैं, एक कंट्री को टारगेट कर सकते हैं, स्टेट को टारगेट कर सकते हैं, सिटी को टारगेट कर सकते हैं, एरिया को भी टारगेट कर सकते हैं, और रेडियस को, यानी एक पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे तो वहां से एक रेडियस को भी हम टारगेट कर सकते हैं। अगर मुझे टारगेट करना है हैदराबाद, देखिए दोस्तों मैंने हैदराबाद टाइप किया HYD, ये आ गया हैदराबाद टारगेट। ये देखिए पूरा हैदराबाद टारगेट हो जाएगा। सर नहीं, मुझे एक रेडियस टारगेट करना है, तो एडवांस पे जाइए आप, यहाँ पे होता है रेडियस, तो यहाँ पे टाइप कीजिए हैदराबाद। अब देखिए यहाँ पर मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ किलोमीटर्स, और मुझे 40 किलोमीटर हैदराबाद के रेडियस में मुझे अपना एड दिखाना है, तो इसको करिए सेव। तो मेरा एड अभी टारगेट हो जाएगा 40 किलोमीटर रेडियस, ये हो गया 40, ये हो गया किलोमीटर, और ये हमने किया, चलिए ये 40 किलोमीटर का रेडियस टारगेट हो गया हमारा एड। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से आप कोई और एडवांस टारगेटिंग भी कर सकते हैं। और ये लोकेशन ऑप्शंस में थोड़ा एडवांस सेटिंग्स होता है दोस्तों। एडवांस सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि हमारा टारगेट तो हैदराबाद है, लेकिन अगर यूजर आउट ऑफ हैदराबाद भी है, लेकिन अगर वो सर्च करेगा हैदराबाद के लिए, तो अपना एड दिखेगा उसे। एग्जाम्पल आप देखिए, अगर आप दुबई में हैं और आप दुबई से सर्च कर रहे हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद, तो यहाँ पर देखिए आप तो है दुबई में, लेकिन आप सर्च कर रहे हैं हैदराबाद के लिए, तो आपको मेरा एड दिखेगा। ये पॉइंट ये इसलिए इंक्लूड किया गया है कि बहुत सारे सर्विसेज ऐसे होते हैं, जैसे कि होटल्स आप ले लीजिए, कि पर्सन तो रहेगा आउट ऑफ स्टेशन, बट वो सर्च करेगा एक पर्टिकुलर लोकेशन में। इसी तरह हमारे भी सर्विसेज इसी में आएंगे, तो हम वहां पर टारगेट करेंगे। अगर आपको सिर्फ आप ही के लोकेशन के यूजर्स को टारगेट करना है, तो अगर आप बाहर वालों को नहीं टारगेट करना चाह रहे, तो सिंपली आप ये ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए,
मगर जनरली आई रिकमेंड मैं यही करूंगा, इसकी और इसको जरूरत ही नहीं है। और ये तो एडवांस एक्सक्लूडिंग का ऑप्शन आप छोड़ दीजिए, जरूरत नहीं रहेगा आपको प्रैक्टिकली भी। एक्सक्लूड का मतलब होता है अगर आप ऑल ओवर इंडिया टारगेट कर रहे हैं तो आप चाहे तो एक एक सिटी या एक लोकेशन आप रिमूव कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं एक्सक्लूडिंग, वो जरूरत नहीं पड़ेगी आपको जनरली। ठीक है, तो हमने टारगेट किया हैदराबाद को 40 किलोमीटर पर। अब देखिए लैंग्वेज, तो यहाँ पे उतना ज्यादा जरूरत नहीं है, इंग्लिश हम लेंगे। अगर आप दुबई और या कोई गल्फ कंट्रीज टारगेट कर रहे हैं तो वहां पे आप यूज कर सकते हैं अरबिक और अदर लैंग्वेज एज पर योर रिक्वायरमेंट। और डेली बजट क्या है दोस्तों मेरा, मैं कहूंगा कि भाई 100 रुपीज मुझे स्पेंड करना है टेस्ट के लिए। ओके, एडवर्टाइज द कंट्री कॉमन इज द बजट ऑफ एटलीस्ट 500, कंसिडर इंक्रीजिंग। सो एक वार्निंग मैसेज दे रहे हैं कि भाई आपके कंट्री में इतना करते हैं ना, मुझे नहीं करना है। अच्छा, और एक बात आप याद रखिए दोस्तों, अगर हम 100 रुपीज बजट रखेंगे तो ये जरूरी नहीं कि हर दिन 100 रुपीज ही खर्च होगा। यहाँ पे एक छोटा सा कैलकुलेशन होता है, अपना मंथली बजट हो जाएगा 100 × 30.4, ये बजट हो जाएगा हमारा मंथली। ठीक है, तो अब याद रखिए कोई भी दिन गूगल अपना बजट इंक्रीज भी कर सकता है या डिक्रीज भी कर सकता है, यानी डबल, कभी आप इंक्रीज करेगा तो डबल कर देगा, कभी डिक्रीज करेगा तो हाफ भी कर देगा, वो गूगल के ऊपर है। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपने सेट किया 500 रुपए आपका बजट, तो एक दिन आपका बजट में आएगा 600 रुपीज स्पेंड हो चुके हैं, तो आप घबराइए मत कि ये 100 रुपीज बढ़ के स्पेंड हो गया है तो मेरा मंथली बजट बढ़ जाएगा, नहीं। वहां पे सिर्फ हमने जो 50 रुपीज जो इंक्रीज हुआ है, कोई और दिन वो एडजस्ट हो जाएगा। इसकी मिसाल आपको मैं देता हूँ दोस्तों, देखिए आप समझिए कि भाई मेरे आपके पास हर दिन 1000 रुपए आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, और आपको उस खर्च करना है, लेकिन आपने क्या किया, 1-2-3 दिन आपने खर्च नहीं किया, नेक्स्ट सीजन यू कैन स्पेंड ऑल द मनी टुगेदर, है ना। तो इसी तरह बजट का भी होता है कि जो आप बजट देंगे उससे हमेशा गूगल कैन चार्ज मोर और लेस, बट वो चेंज होता रहेगा। डबल इट कैन चार्ज अप टू 100%, डबल डबल चार्ज कर सकता है। देखिए, और हमारा गोल है कन्वर्जन्स या क्लिक्स, तो अभी मुझे क्लिक्स चाहिए, आई वॉन्ट टू गेट एज मेनी क्लिक्स एज पॉसिबल। और एक बात याद रखिए, जब भी हम मैक्सिमाइज क्लिक्स बजट सेट कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज होता है कि आप कितना पैसा गूगल को मैक्सिमम पे करना चाह रहे हैं। तो मैं लिखूंगा 20 रुपीज, यानी मेरा बजट है 20 रुपीज पर क्लिक। अभी ये मैंने सिर्फ एक रैंडमली एक अजम्पशन पे रखा है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये 20 रुपीज रखना भी इस तरह का करेक्ट नहीं है, बट मैंने एक ऑप्शनल रखा है 20 रुपीज। लेकिन रियल टाइम सिनेरियो के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें कीवर्ड्स देखना पड़ेगा, कीवर्ड्स देखने के बाद में एग्जैक्टली आपको बिडिंग देना पड़ेगा, ऐसा हम रैंडमली नहीं रख सकते हैं। मतलब मैंने, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आइडिया है इस मार्केट का, एक्चुअल बिडिंग प्राइस 40 रुपीज ऐसा होता है, तो मैं हाफ से शुरू करना चाह रहा हूँ, 20 रुपीज मैंने रखा है, तो गूगल विल चार्ज मी मैक्सिमम अप टू 20 ओनली। अब यहाँ पर थोड़े मोड सेटिंग्स देख लेंगे हम, कन्वर्जन ट्रैकिंग, अभी तो मैं वो डिफॉल्ट अकाउंट लेवल हो गया, और एड स्केड्यूलिंग, अपना एड हमेशा रन करना है या कोई टाइम पे आपको रन करना है, और एड रोटेशन, व्हिचएवर एड इज, जो भी एड अच्छा परफॉर्म हो रहा है वही एड को हम एक्टिवेट कर लेंगे, और ये साइट लिंक्स का हम बाद में देखेंगे क्या होता है ये साइट लिंक्स। लेकिन एक बात याद रखिए दोस्तों, ये कन्वर्जन ट्रैकिंग इंपॉर्टेंट होता है। कन्वर्जन ट्रैकिंग से हमें ये पता चलेगा कि कितने लोगों ने हमारा प्रोडक्ट हमारे वेबसाइट पर आकर फॉर्म फिल किया है, यानी हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है तो कितना रिजल्ट आपको आया है, कितना आपको आउटपुट आया है, वो चीज को हम इस कन्वर्जन ट्रैकिंग पे हम बाद में भी कर सकते हैं, वो हम देखेंगे उसको। तो सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। अब आपको नेक्स्ट स्क्रीन में एड ग्रुप बनाना पड़ेगा। जैसा आपका एड ग्रुप सेटअप हो जाएगा, कीवर्ड्स हम ऐड करेंगे और ऐड कर देंगे, और रेडी हो जाएगा अपना एडवर्ड्स कैंपेन। बस चलिए, ये हो गया एड ग्रुप। अब मैंने आपको पहले ही बताया कि हम यहाँ पे ऐड करेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, क्योंकि मेरा गोल वही है, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में ले जाऊंगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक कीवर्ड ऐड कर रहे हैं, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इस यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस रहेगा, जिसको हम कहते हैं मैच टाइप्स। वहां पे नीचे दिखाया भी गया है कि व्हाट इज मैच टाइप्स, तो मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाऊंगा, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये हमारा मैच टाइप का डिटेल है ना। तो ये मैच टाइप होता क्या है, ये इसका बेनिफिट क्या है, और ये क्यों हमें यूज करना है। अगर समझिए, मैंने यहाँ पर लिखा है सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज,
नहीं ये कीवर्ड, तो जनरली मेरा माइंडसेट क्या है कि मैं अपना एड इस वक्त में इसी कीवर्ड पर दिखाना चाह रहा हूँ, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी अगर कोई सर्च करेगा तो जब भी मेरा एड दिखेगा, ये मैं जनरली ये सोच के मैंने ये कीवर्ड लिखा है ना। अगर अच्छा कीवर्ड अगर आ जाएगा कि फॉर एग्जांपल ऐसा कीवर्ड आ गए बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, मैं उस वक्त में भी अपना एड अपना डिस्प्ले करूंगा। हाँ बेस्ट भी अच्छा कीवर्ड है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यह है दोस्तों कि जब हम मैच स्टेप्स के अंदर डेप्थ में जाएंगे तो मैच स्टेप्स एक बहुत कॉम्प्लेक्स बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। यानी मैं आपको एक टेक्स्ट फाइल में एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आए कि ये इतना डिफिकल्ट और डेंजरस क्यों है, इसका प्रॉब्लम क्या होगा अगर हमने इसको सही नहीं सेट किया तो क्या प्रॉब्लम आएगा। देखिए हमारा कीवर्ड है ये, तो इसको फर्स्ट कहते हैं ब्रॉड मैच। अब देखिए ये मैंने कीवर्ड दिया है तो जनरली लोग क्या सोचते हैं कि भाई ये कीवर्ड पे अपना ऐड आएगा, नहीं। तो ब्रॉड मैच का प्रॉब्लम ये है कि हमारा ऐड इस चार वर्ड में से कोई भी वर्ड आ जाए या कोई भी कॉम्बिनेशन आ जाए, परम्यूटेशन आ जाए या कोई भी अदर वर्ड भी आ जाए ना, हमारा ऐड दिखेगा। मतलब अभी देखिए कितना डिफिकल्ट आपको, कितना यूजलेस क्वेरीज आपको आएंगे। अब देखिए ये मैंने कीवर्ड लिखा है ना, अब अज्यूम कीजिए यूजर सर्च कर रहा है व्हाई सोशल मीडिया मार्केटिंग इज गुड फॉर कंपनी। अब आप देखिए दोस्तों ये कीवर्ड इसने सिर्फ एक आर्टिकल क्वेरी किया है, एक इंफॉर्मेशनल क्वेरी है, ये ट्रांजैक्शन नहीं है, आपको प्रॉफिट नहीं मिलेगा इस कीवर्ड से। लेकिन इन्होंने एक लंबा सा कीवर्ड सोशल मीडिया मार्केटिंग इज गुड फॉर कंपनी, तो यहाँ पर ये पूरे वर्ड्स मैच हो रहे हैं तो ये एड अपना दिखेगा। यस एड विल शो विच इज नॉट ए गुड आइडिया। और मोर वर्ड्स आपको बताता हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स। अब देखिए हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कोर्स नहीं, लेकिन इस सूरत में भी एक्चुअली आपको एड दिखेगा, गूगल विल डिस्प्ले योर एड। इसका इसी वजह से, क्योंकि यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये तमाम थ्री वर्ड्स है ना, और ये थ्री वर्ड्स यहाँ पर मैच हो रहे हैं, है ना, तो मैच टू मैच हो रहा है तो आपका एड दिखेगा। और इसी तरह सिनोनिम्स पर, इसी तरह क्लोज वेरिएंट कीवर्ड्स पर और मिसस्पेलिंग्स पर, तमाम पे आपका एड दिखेगा। और इसके प्रॉब्लम ये है दोस्तों कि आपका एड इतने बार ट्रिगर हो जाएगा कि आपका अमाउंट बहुत जल्दी वेस्ट हो जाएगा और आपको कुछ आरओआई नहीं आएगा। तो मैं हमेशा आपको बताऊंगा कि हमेशा मैं सजेस्ट करता हूं कि ब्रॉड मैच कभी यूज नहीं करना है, अनटिल एंड अनलेस अगर आपकी बहुत बड़ी कंपनी है, उनके पास बहुत पैसा है तो ब्रॉड मैच आप यूज कीजिए, वरना ब्रॉड मैच नहीं बल्कि हमें फ्रेश मैच यूज करना है। तो ये फ्रेश मैच क्या होता है, सिंपल देखिए फ्रेश मैच होता है इस तरह, हम इसको डबल कोट में रख के लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी। तो अब हमारा एड उसी वक्त दिखेगा जब सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी वर्ड यूजर के क्वेरी में होगा। अगर किसी ने सर्च किया बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, हाँ हमारा एड दिखेगा, वेरी नाइस, और हमें बेनिफिट भी होगा। अगर किसी ने सर्च किया सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज इन हैदराबाद, फिर भी अपना एड दिखेगा क्योंकि इसमें सिंगुलर और प्लूरल भी इंक्लूड रहेगा, मिसस्पेलिंग भी इंक्लूड रहेगा, क्लोज वेरिएंट और अब्रिवेशन भी इंक्लूड रहेगा, ठीक है। सो सोशल मीडिया मार्केटिंग इन हैदराबाद भी हमारा ऐड दिखेगा। लेकिन अगर कोई सर्च करें सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों ये इंटरेस्टिंग है कि हमारा ऐड नहीं दिखेगा, नो इट वोंट शो। रीजन इज अगर द एड विल शो ओनली इफ दिस फोर वर्ड्स मस्ट बी फाउंड। अब देखिए थ्री वर्ड्स तो आ गया है, वन टू थ्री आ गया है, फोर्थ वन मिसिंग है, तो चलिए एड अपना नहीं दिखेगा। तो इस तरह से ब्रॉड मैच कीवर्ड में होता यह है कि हमारा एड बहुत ज्यादा दिखेगा, लेकिन फ्रेश मैच में हमारा कीवर्ड थोड़ा स्पेसिफिक हो जाएगा। इसी तरह और एक मैच होता है दोस्तों, इसको कहते हैं ब्रॉड मैच मॉडिफायर। ये बहुत डेप्थ टॉपिक है, एक्चुअली मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ प्रैक्टिकल कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन एक्चुअली अगर थियोरेटिकली में लेने बैठूंगा तो ये टॉपिक एक से डेढ़ घंटा होता है ये एक टॉपिक, लेकिन बिकॉज हमारा क्लास अभी प्रैक्टिकल में हम डिस्कस कर रहे हैं तो ब्रॉड मैच मॉडिफायर मैं आपको बताऊंगा। तो इसे लिखते हैं हम इस तरह से, सोशल प्लस मीडिया प्लस मार्केटिंग प्लस कंपनी।
तो इसका भी सेम है, लेकिन फेस मास्क से थोड़ा बेटर है दोस्तों ये कीवर्ड। इसमें ये होता है कि ये चार वर्ड किसी भी एंगल में रिपीट हो जाएंगे ना, तो हमारा एड दिखेगा। यानी अगर किसी ने सर्च किया कंपनीज, हाँ यहाँ पर एक चीज याद रखिए, अगर किसी ने सर्च किया कंपनीज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, एक्चुअली अपना एड नहीं दिखेगा क्योंकि फ्रेस रिवर्स हो गया है, तो एड नहीं दिखेगा। लेकिन यहाँ पर अगर किसी ने सर्च किया कंपनीज फॉर सोशल मीडिया मार्केटिंग, हमारा एड दिखेगा। इसलिए दिखेगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग, यहाँ पे है सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी और प्लूरल है कंपनीज, तो हमारा एड इसमें दिखेगा। तो पर्सनली मैं सजेस्ट करता हूँ आप इधर ब्रॉड मैच मॉडिफायर यूज कीजिए या फ्रेस मैच यूज कीजिए। और एक भी होता है नेगेटिव मैच, वो भी आपको मैं बता दूं। यहाँ पे नेगेटिव मैच होता है जो कीवर्ड आपको नहीं चाहिए, जो कीवर्ड आपको नहीं चाहिए, जैसे हमें अभी नहीं चाहिए फ्री कीवर्ड, तो हम इसको लिखते हैं माइनस फ्री। मुझे कोर्स भी नहीं चाहिए, माइनस कोर्स। ट्यूटोरियल इज ऑल्सो नॉट माई कीवर्ड, माइनस ट्यूटोरियल। इस तरह जो जो कीवर्ड हमारे नेगेटिव, हमारे लिए अच्छा नहीं है, वो कीवर्ड को हम इस तरह से ऐड करते हैं। तो इसको देखिए, मैं अभी ऐड कर रहा हूँ BMM, तो सोशल प्लस मीडिया प्लस मार्केटिंग प्लस कंपनी, और इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में भी लिखूंगा SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, और इसको मैं ये भी लिखूंगा SMM प्लस हैदराबाद, ठीक है। और मेरा नेगेटिव कीवर्ड है माइनस फ्री माइनस कोर्स, बस ठीक है। तो इस तरह से हम ऐड करेंगे और सेव एंड कंटिन्यू। अभी इसमें हमें ऐड भी ऐड करना रहेगा, ये हमारा ऐड है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए हमारा ऑलरेडी लैंडिंग पेज सेट हो गया, इसको आप कॉपी कीजिए, यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, ठीक। हेडलाइन सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी, हाँ चलिए आ गया, बहुत अच्छी बात है। ओके, ग्रो योर बिजनेस विथ सोशल मीडिया, एक्सीडेंट हो रहा है, ग्रो योर बिजनेस ऑनलाइन, ओके। और हमारा कंपनी का नाम है IT इन्फो डिजिटल, चलिए। और यहाँ पे हम पाथ लिखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, और हमारा डिस्क्रिप्शन, ओके डिस्क्रिप्शन। अब अभी एक्चुअली सोच के आपको लिखना पड़ेगा, अच्छे से लिखना पड़ेगा ये, ओके रीच योर टारगेट ऑडियंस विथ सोशल मीडिया, विथ सोशल मीडिया। अभी यहाँ पे और एक पॉइंट होता है दोस्तों, इसमें हम बस ब्रांड के कीवर्ड हम यूज नहीं कर सकते हैं, उसको कहते हैं कॉपीराइट टर्म्स, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है फेसबुक वगैरह ये कॉपीराइट टर्म्स है, तो कभी एड डिसेबल भी हो सकता है। तो मैं इसमें अब लिखता हूँ ओके चूज द बेस्ट नेटवर्क फॉर योर बिजनेस, फ्री कोट। अभी ये थोड़ा एक्सीड हो गया है, तो उसको मैं फिर से कट ऑफ करूंगा, सेलेक्ट फ्रॉम 8+ सोशल, चलिए आ गया नेटवर्क्स। और हम डिस्क्रिप्शन 2 भी लिख सकते हैं, अगर आपको चाहिए तो वो भी हम लिख सकते हैं, लेकिन अगर क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म हम वर्क कर रहे हैं, तो सेव एंड कंटिन्यू, दैट्स इट। तो अब देखिए दोस्तों, सिंपल मैंने एक कैंपेन सेटअप कर दिया, एक एड ग्रुप सेटअप कर दिया, और एक एड मैंने बना दिया, और कंफर्मेशन, दैट्स इट। और अगर आप जाएंगे तो आपका कैंपेन आप रेडी है, लेकिन हमने सिर्फ 100 रुपीज बजट दिया है। तो अभी यहाँ पर क्या आएगा कि जब तक ये एक्टिवेशन नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको आएगा कि अभी ये अप्रूवल, पेंडिंग अप्रूवल पर होगा। जैसे कि हम एड्स एंड एक्सटेंशंस पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए अंडर रिव्यू का ऑप्शन रहेगा। इस तरह से
बिल्कुल इजी वे में हम एक कैंपेन बना सकते हैं दोस्तों, इतना आसान है। देखिए हाँ, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लेक्सिटीज है, लेकिन मैं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप सिंपल से तरीके से, आपको प्रैक्टिकल, क्योंकि ये पूरा सीरीज का यही हमारा गोल है कि हम ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, बेसिक वे में हम बना देंगे। तो इसके बाद आप देखिए दोस्तों, अगर हम यहाँ पे सर्च करेंगे तो आप एक चीज को देखेंगे ना कि बहुत सारे एड्स में हमने जब सर्च किया तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे, सर ये तो हमने बनाया हेडलाइन, ये हेडलाइन वन है, ये हेडलाइन टू है, ये हमारा यूआरएल है और ये हमारा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर करीब या यहाँ तक अपना डिस्क्रिप्शन है, ठीक है सर, ये फिर ये फ्री हेल्थ चेकअप, ये डिस्क्रिप्शन टू, पर ये क्या है सर, एक्स्ट्रा आ गया, फिर यहाँ पर ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये एक्स्ट्रा आ गया, ये कहाँ से आया है लोग को, कि इतना एक्स्ट्रा इन्होंने कहाँ से इम्प्लीमेंट कर चुके हैं। तो यहाँ पर आप याद रखिए कि ये तमाम चीजें जो यहाँ पर आ रहे हैं ना, दिस ऑल आर कॉल्ड एज एक्सटेंशंस। आपको कभी फोन नंबर भी आएगा, आप मोबाइल में सेट करेंगे ना, मोबाइल पे आपको क्लिक बटन भी आएगा और डेस्कटॉप पे फोन नंबर भी आएगा। तो ये हम किस तरह से कर सकते हैं, इसे कहते हैं एक्सटेंशंस, यानी हमारे ऐप को और बेहतर करने के लिए हम एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। जैसे कि साइट लिंक, मतलब और एक पेज के लिए हम लिंक देंगे यहाँ पर, जैसे कि हमारा और एक पेज है डिजिटल मार्केटिंग, तो अब देखिए मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग को लिंक दे दूंगा, डिजिटल मार्केटिंग है ना ये यूआरएल। इसी तरह मुझे अगर कोई हमारे पास सर्च कर रहा है तो उसे पता चलना है कि भाई हमारे पास, हम ये भी प्रोवाइड करते हैं, ये भी टॉपिक हमारे पास है। उसके बाद होता है टीपीसी एडवर्टाइजिंग, और इसी तरह मैं एसईओ भी दे सकता हूं, जितने भी हमारे सर्विसेस है तमाम को हम देना है। दैट्स इट, ये आ गया कॉपी लिंक एड्रेस, और आप थर्ड वन भी हम दे देंगे एसईओ सर्विसेस। चलिए यहां पे आप सेव कर दीजिए, दैट्स इट। ऐप भी डिस्क्रिप्शन मुझे ऐड नहीं करना है, वो थोड़ा टाइम लगेगा इसलिए मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। इसी तरह अभी हमको चाहिए कॉल आउट एक्सटेंशन, यानी हमारे बिजनेस के क्या क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। इतने साल से ओके टूल्स, ठीक है, जो भी हमारे बेनिफिट्स है हम वो ऐड कर देंगे यहाँ पर, ये चीज ओके सेव। अब ये इस तरह हमारे ऐड के साथ कनेक्ट हो जाएगा। फिर इसी तरह कॉल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम कॉल एक्सटेंशन ऐड करेंगे दोस्तों यहाँ पर, और ये हमें ऐड करना है कैंपेन लेवल पर, तो जो हमारा कॉमन ऑफिस नंबर है ये सर्विसेज का, क्योंकि मैं ये लाइव कर रहा हूँ इस वजह से यहाँ पे आप नन कीजिए, यहाँ पे कन्वर्जन एक्शन नन कर दीजिए, और 970357। चलिए सेव। तो देखिए दोस्तों इस तरह हमारा ऐड बन गया है कितना आसानी से। ये डेस्कटॉप का ऐड है, ये मोबाइल का ऐड है, डेस्कटॉप पे ऐसा आएगा ऐड और मोबाइल पे इस तरह से आएगा ऐड। तो इस तरह से हम एक्सटेंशंस वगैरह को, और जो भी बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं बिजनेस के हिसाब से, हम ये एक्सटेंशंस को ऐड करेंगे। तो इस तरह से बनता है एक सिंपल सा पीपीसी कैंपेन, एंड आई एम श्योर अभी ये मैं अपलोड, जब तक ये अपलोड करूंगा उस वक्त तक डेफिनेटली हमारा एड एक्टिवेट हो जाएगा। अब देखिए एड एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ यहाँ से हम देख सकते हैं। तो ये देखिए अंडर रिव्यू, तो हो सकता है जब तक मैं ये कंप्लीट कर दूं क्लास, और हो सकता है आप चेक कीजिए हमारा एड एक्टिव रहेगा इस कीवर्ड पर, सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनी या कंपनीज इन हैदराबाद, ये हमारा फोकस कीवर्ड है दोस्तों। तो जब मैं अपलोड करूंगा तो देखेंगे कि हम, अगर हो सकता है यहाँ टॉप पर या बॉटम पर कहीं पर हमारा एड तो डेफिनेटली आएगा, ये बात तो गारंटीड है कि इधर टॉप और इधर बॉटम हमारा एड तो विजिबल रहेगा जब तक मैं ये वीडियो अपलोड करूँ। तो ये कॉन्सेप्ट है दोस्तों कि हम किस तरह से एक पीपीसी कैंपेन को सेटअप करते हैं। और याद रखिए इसमें बहुत सारे एडवांस कॉन्सेप्ट होते हैं, बहुत सारे टेक्निकल कॉन्सेप्ट भी होते हैं, लेकिन जिस, क्योंकि हमारा गोल है सिर्फ प्रैक्टिकली कैसे करना है, तो मैं इस तरह से
आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट ऑफ पीपीसी मार्केटिंग, पीपीसी बेसिक ट्यूटोरियल मैंने हिंदी में आपके सामने पेश किया। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो डेफिनेटली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं, और मैं डेफिनेटली हर कमेंट को मैं आंसर करता हूं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो हर कमेंट को मैं आंसर भी करता हूं, तो डेफिनेटली आप कमेंट्स पे हमारे वीडियो के वीडियोस वीडियो पर कमेंट्स पे आप हमसे बात कर सकते हैं। और अगर आप और हमारे कोर्स के बारे में या मेरे प्रोग्राम में जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता हूँ उसको और जानकारी के लिए आप webtrainings.in वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा, आप वहां से भी हमारे वेबसाइट को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा आज का ट्यूटोरियल, हाउ टू डू पीपीसी मार्केटिंग और बेसिक ऑफ पीपीसी मार्केटिंग इन हिंदी। थैंक यू वेरी मच।